थे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क मेंस रिज़ल्ट के बारे में। जो कल एक मैंने वीडियो डाला था, जो आपसे रिक्वेस्ट किया था आप सभी से, लगभग वहाँ पे 20 या 23 के अराउंड कमेंट था उस वीडियो में। और जब अब सिर्फ आप सभी के वजह से वहाँ पर 400 प्लस कमेंट गया। अब ये कमेंट जाने का क्या मतलब है, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो SBI ने रिप्लाई दिया था, तो इसी कारण मैं ये फिर से किया हूँ। देखिएगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर आएगा या फिर आप वो कमेंट सेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ ना कुछ वो SBI रिप्लाई ज़रूर देगी वहाँ पर। और मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ आप सभी से कि फिर से आप जाएँ और उस वीडियो पर जितना हो सके और कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जितने ग्रुप में हो सके आप शेयर करें, ताकि वहाँ पे बहुत सारे हज़ार अगर पहुँचा दे कमेंट। ठीक है, और अगर रिसेंट वीडियोस आता है तो उस पर भी कमेंट करें, तो वो अपने आप परेशान होकर वो लोग रिप्लाई ज़रूर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पता चला था परेशान होकर उन लोग ने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। ठीक है, और फिर बाद में रिप्लाई दिया था। ठीक है, दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है। रिज़ल्ट देखिए अभी सरप्राइजिंग स्टेज पे है और बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है। अभी बहुत स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है IBPS RRBPO का। जैसे मैंने कल डाला, अभी तक 20 तारीख हो गया है, लगभग 5 लाख के अराउंड ही कैंडिडेट है, जबकि अभी तक 9 लाख 8 लाख 9 लाख होना चाहिए था एग्जैक्टली। तो ये शायद इम्पैक्ट SBI क्लर्क मेंस रिज़ल्ट का है। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, तो अभी फॉर्म फिलअप मत करना। ठीक है, अभी वेट करना। ठीक है, बहुत सारे भाई बहन ने ये बात भी सुना है शायद, इसलिए फॉर्म बहुत सारे भाई बहन ने फिलअप नहीं किया है अभी तक। आप वेट करना, कम से कम लास्ट डेट का वेट करना, 27 का वेट करना। ठीक है दोस्तों, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से एक भाई ने बताया था और मुझे भी लगता है कि रिज़ल्ट आपका 27 के बाद ही आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर 27 से पहले आ गया तो क्या होगा कि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का SBI क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 5-6 हज़ार कैंडिडेट का क्लियर होता है SBI, या 10 हज़ार के अराउंड क्लियर होता है, तो वो 10 हज़ार कैंडिडेट ये डेफिनेटली श्योर है कि IBPS RRB का RRBPO और RRB क्लर्क का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। मतलब 800 800, 1600 और 50 50, मतलब 1700 रुपया, मतलब क्या होगा, बैंक का क्या होगा, लॉस हो जाएगा देखा जाए तो। ठीक है, रिक्रूटमेंट का लॉस हो जाएगा, IBPS का लॉस हो जाएगा, 1700 रुपया एक कैंडिडेट का लगभग लॉस हो जाएगा। तो आप सोचिए, एक कैंडिडेट से 1700 लॉस हो रहा है, तो लगभग 10 हज़ार के अराउंड कैंडिडेट है, तो कितना लॉस होगा। तो ये लॉजिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से रिज़ल्ट अगर 27 से पहले नहीं आया, तो यही रीज़न होगा जो 27 से पहले नहीं आएगा। ठीक है, आपका लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद ही आपका SBI क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर लेंगे 27 तारीख तक, 27 लास्ट डेट है, क्योंकि फिर वो रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी सस्पेंस में रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर लेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसलिए मेरे लॉजिक के हिसाब से आज रिज़ल्ट आना चाहिए। मेरा जो कट ऑफ डेट है, आज मैंने बताया था, आज आना चाहिए। आज अगर नहीं आता है तो समझिए 27 के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये 400 प्लस कमेंट का आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। चलिए वीडियो में ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 428 कमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भी कमेंट किया, यहाँ पर हो सके तो आप लोग जितना हो सके लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और हो सके जितना कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट होगा, मेरे हिसाब से रेस्पॉन्स जल्दी आएगा, क्योंकि रेस्पॉन्स का बहुत ज़रूरत है अभी मेरे भाई बहन, बहुत ज़रूरत है, याद रखना बहुत ज़रूरत है। वरना रिज़ल्ट आपका, पहला बात, आपका पैसा भी लॉस होगा। मान लीजिए आप SBI क्लर्क में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो मतलब 1700 रुपया लॉस होगा। बहुत मैटर करता है यार, 1700 रुपया मैटर करता है एक कैंडिडेट के लिए, जिनके पास कि कोई कोई कैंडिडेट को देखा हूँ 700-800 रुपया के लिए कहाँ से पैसे कलेक्ट करके फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे 400 प्लस है, मैं चाहता हूँ इसको कम से कम 1000 प्लस आप लोग आज तक हो सके तो कर देना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये SBI ऑफिशियल आप अगर आप टाइप करेंगे, मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो SBI का है, SBI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके ये वीडियो पे डायरेक्टली जा सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना जितने भी ग्रुप में हो सके तो। ठीक है, ये व्यूज़ का मुद्दा, देखिए सिर्फ व्यूज़ का मुद्दा नहीं है मेरे भाई बहन, ये आपको भी समझ आना चाहिए कि क्या मैटर है इसमें।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हो सके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगी। और ऑल द बेस्ट अगर रिजल्ट आ जाती है तो।